करते हैं। इसमें आपको आज मैं जिस तरह से मैं बनाती हूँ हैदराबादी पनीर, मैं आपको वैसे बताती हूँ। इसमें हमने लिया थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा पालक। देख लीजिए आप क्वांटिटी, जरा जरा सी है, ज़्यादा नहीं है। और 6-7 दाने लहसुन के, अदरक और 4 प्याज, 3 हरी मिर्च, 5 काजू, 5-6 दाने लौंग के, 5-6 दाने काली मिर्च के, थोड़ा सा दालचीनी और 1 तेजपत्ता और दही। और ऑब्वियसली बात है हैदराबादी पनीर के लिए पनीर। आस-पास है बाकी ये मसाले सारे, बाकी जैसे जैसे मैं बनाती आती हूँ वो आपको मैं जरूर दिखाऊँ। तो एक पैन ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच के आसपास कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, सरसों का तेल छोड़ के। मैं यहाँ रिफाइंड का यूज कर रही हूँ। मसाले थोड़ा गर्म हो जाए तो आपने कट करके आपने इसको फ्राई करना है। मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई करूंगी, जिसमें से पनीर आप अलग अलग करके उसको ब्राउन कर सकते हैं। ठीक है, तो पनीर फ्राई हो जाए तब मैं आपसे मिलती हूँ। पनीर फ्राई हो रहा है, हम थोड़ा सा रिफाइंड लेंगे, करीब 2 चम्मच लेके इसको गरम करके फटाफट से उसमें हम डालेंगे। कुछ नहीं करना है आपने, प्याज डाल देना है ऐसे ही, चारों प्याज आपने ऐसे ही डालने हैं, अदरक भी ऐसी डालनी है और लहसुन भी ऐसी डालना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपने तेज पत्ते को छोड़ के, जो हमारे सूखे मसाले थे साबुत मसाले, वो सब आपने ऐसे ही डाल देने हैं। बस हमने अभी तेज पत्ता छोड़ दिया है, जब तक ये गर्म होगा फटाफट से ये फ्राई हो जाए अच्छे से। कुछ काटना वाटना नहीं है, बहुत हार्ड एंड फास्ट इसकी कोई रेसिपी नहीं है, ये मैं आपको बताऊँ, बहुत सिंपल है। लगने को लगता है कि हाँ यार इतना वैसा है हैदराबादी पनीर, बड़ा तामझाम है, कुछ नहीं है। बस इसको इस तरह से आपने पनीर को उलट उलट करके इसको बस शैलो फ्राई करना है, ब्राउन कलर का। बस अब इसको मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूँगी और इसको ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। पनीर वाला फ्राई हो गया था प्याज वेज, अब हमने इसमें डालना है पालक, थोड़ा सा मिंट और हरा धनिया। बस इसको भी हमने जस्ट हल्का सा ऐसे में गरम करना है, फिर इसको हम साथ में सारा पीस देंगे। प्याज वाज भूनने के बाद उसके बाद ये भी फ्राई हो चुका है हमारा, बस इसको भी मैं ठंडा ठंडा होने के लिए इसी में। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसे पीसती हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, कृपया समय समय पर पानी पीते रहिए, देख रहे हो। सब तो मैंने पीसा था, फ्राई किया था, वो सब मैंने इसमें पीस लिया है। तेज पत्ता जाने के बाद ये बनाया है बेटर।
लाल मिर्च मैं थोड़ी ही ले रही हूँ, ठीक है, आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए। आधी चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कलर के लिए देगी मिर्च और स्वाद अनुसार दोस्तों स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम डालेंगे उसके अंदर। अब इन सबको अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लेना है, इस मसाले को। जितने फिटे हुए मसाले हैं सब मैंने इसमें डाले हैं। ढक देंगे जब तक कि इसमें ऑयल ऊपर नहीं आता। परफेक्ट। इस उस पे हल्की सी कसूरी मेथी आपने लेनी है और इस पे अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे। अब आपने डालना है इसमें पनीर। ये अच्छे से इसके ऊपर आ गया है। अब आपने अपने हिसाब से इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, इसको थोड़ी देर सिम पे पकने दीजिए। पनीर डाला है, उसके बाद का प्रोसीजर आ गया हमारा हैदराबादी पनीर। और अब बस इस पे ऊपर से क्रीम डाल दीजिए। छोटा सा व्लॉग हमारा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।